अभी संगम में कौन सा समय है? अच्छा, ग्यारह में कौन 20 साल से चल रहे, जरा हाथ उठाओ। 20 साल से जो पुराने हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बोलो 20 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, बोलो बोलो। अच्छा, जो 10 साल मैंने 20 साल से लेके 10 साल के अंदर है वो जो चल रहे हैं वो हाथ उठाओ। जो 10 साल से 5 साल से हाथ चल रहे हैं ज्ञान में, हाथ उठाओ। जो 5 साल से 1 साल चल रहे हैं हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, जो 6 महीने से चल रहे हैं हाथ उठाओ। अभी सभी हाथ उठा दो, हम सब बोलो हम ज्ञान में आगे भी पहले भी चलते आए थे, अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, चलते रहो, चलते रहो। तारीफ की बात कौन सी होगी, चलते रहो। बाबा कहता है ना अभी चलना, ना दौड़ना, ना उड़ना, अभी उड़ाने का समय है। अंतिम समय आ चुका है, कयामत का नजारा है। आपकी दृष्टि पड़े उस आत्मा को, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, भगवान की दर्शन हो जाए, इष्ट देव की दर्शन हो जाए, फरिश्तों की साक्षात्कार हो जाए। ऐसे तपस्या चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, अभी भी हम चल रहे हैं। योग भट्टी में आओगे, हाँ देखूंगी, सोचूंगी, आऊंगी, अच्छा ठीक है चलूंगी, मतलब जैसे बहुत मदद कर रहे हो आप, ठीक है देखेंगे, हाँ हाँ ठीक है। आपने कहा ना हमने, क्या मेरे अंदर को लगन उठी है तपस्या की? मुझे करना है, मुझे तपस्या करनी है, बोलो बोलो। लगन लग जानी चाहिए। जब हम 1100 में गए ना 93 में, पहले पांडव में थे, बस एक ही धुन थी, अभी योग करना है। 12 घंटा सेवा था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे टाइम निकल के योग करना है, योग करना है, योग करना है। गाना लिखना है, गाना कैसे लिखो, मुरली पढ़ना है। जितने भी हम पुरुषार्थ करें उसके आधार है मुरली, और मुरली भी एक ही बात को अगर आप ध्यान से देखें, बाबा जी कहता है सत्य में जाने संकल्प सिद्धेश्वर बनना है। एक मुरली का पॉइंट बहुत अच्छा होता है, आप सभी ने ध्यान से सुना होगा उसको, लेकिन थोड़ा और गहराई से आ जाएंगे। बाबा कहता है दृढ़ संकल्प सफलता का, मुस्कुरा के बोलो दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प माना क्या, एक संकल्प या 10 संकल्प? पुष्प विमान उड़ेगा? नहीं नहीं, इसमें तो पंखा है ही नहीं, अगर पंखा नहीं तेल तो डाला नहीं इसमें, आगे चल के हवा पे गिर गया तो सोचेंगे से? सत्य में ऐसे सोचेंगे? आज हमारी द्वापर से लेके अभी तक शक्तियां हीन होने के कारण इतना नेगेटिव संकल्प की ऊर्जा क्रिएट हम करते हैं। नेगेटिव संकल्प की ऊर्जा होता है, उसको हम क्रिएट कर करके और दुखी होते जा रहे हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूं हर शब्द में आपको यूज करना है क्या, बढ़िया बोलो ना, बढ़िया। अभी ऐसे नहीं दूसरों की चोट लगी तो आप कहना बढ़िया बढ़िया, दूसरे घर में सर की छोड़ा बढ़िया बढ़िया, लेकिन पहले स्वयं के ऊपर प्रयोग करना है, फिर वो बाद में काम करेगा। कभी कभी इस बात पर नाराज हो जाते हैं कोई कोई कि हाँ मेरा ये हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बाबा कह रहा है सबसे पहले स्वयं के प्रति यूज करना है। मुझे चोट लगी, मेरा सिर दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुई तो बढ़िया, तब हमारा जो पहला संकल्प काम करेगा कि एक संकल्प। बाबा जो कहता है दृढ़ संकल्प सफलता का आधार है, बना एक संकल्प। आप अगर खड्डा खोदते हो पानी निकालना है, इसलिए खड्डा खोदा पानी निकला नहीं, थोड़ी खड्डा खोदा पानी निकला नहीं, दूसरे जगह खोदा वहां भी नहीं निकला, पूरी धरती खोद लो पानी कहीं नहीं मिलने वाली है, मिलेगी ना? लेकिन एक ही जगह पर निकले या नहीं निकले, करते चलो करते चलो करते चलो, निकलेगा या नहीं? जरूर निकलेगा। तो बाबा कहने की बात ही एक दृढ़ संकल्प निश्चय होगी, एक संकल्प पर टिक जाओ। वो कैसे टिकेंगे, उसके आधार क्या है? सत्यिक में हमारे एक संकल्प चलते थे, 10 संकल्प नहीं चलते थे, अभी कितने संकल्प चलते हैं मन में?